बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको जिन चीज़ों का रिव्यू देने जा रही हूँ वो मैंने तब यूज़ की थी जब मेरे बच्चे को हैज़ा हो गया था। उल्टियाँ भी लग गई थी उसको, मोशन भी लग गए थे। उसके अलावा इस दो चीज़ों की वजह से उसकी तबीयत इतनी ख़राब रहती थी कि उसको बुखार हो गया था। तो मैंने दो तीन डॉक्टर से चेक कराया, दवाई ली, लेकिन उसको ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जब मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल गई, वहाँ के डॉक्टर ने मुझे ये दवाइयाँ लिख के दी, ये मैंने यूज़ की तो उसको फ़र्क पड़ गया। जितने दिन उसने कहा था मैंने दी और उसको फ़र्क पड़ गया, बिल्कुल ठीक हो गया था मेरा बेटा। मैंने सोचा मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊँ। ये बुखार के लिए उसने मुझे नोविडेट लिख के दी थी, तो ये मैंने यूज़ की। और इसके अलावा उसने हैज़े के लिए मुझे ये प्रेप्रोजी के साशे हैं, ये उसने मुझे दिन में दो बार लिख के दिए थे कि खाने पानी के साथ ना मिक्स करके, ये हैज़े के हैं। ये मैंने उसको दिए तो उसको फ़र्क पड़ गया। प्रेप्रोजी के नाम से साशे इतने एक्सपेंसिव नहीं है, मैं आपको इसके प्राइस भी बता देती हूँ, किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएंगे। ये प्राइस नहीं लिखे हुए थे, बहरहाल इतने एक्सपेंसिव नहीं है ये। ये उसने मुझे कहा था कि दो तीन से चार दिन अपने बच्चे को देने हैं, तो मैंने ये दिए थे। और ये नोविडेट सीरप है, ये बुखार के लिए था कि जब बुखार फील हो तो इसको यूज़ करें। ये मैंने यूज़ किया था तो बिल्कुल ठीक हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा। तो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं ये आपको इसलिए रिव्यू नहीं दे रही कि आप लोग डॉक्टर के पास ही ना जाएं, मैं आपको इसलिए रिव्यू दे रही हूँ कि एमरजेंसी में अगर आपको कहीं से दवाई मंगवानी पड़ जाए या कुछ एमरजेंसी हो जाए तो आपके पास एक ऐसा मशवरा मौजूद हो जो कि एक्सपीरियंस्ड मशवरा हो और अच्छा एक्सपीरियंस हो, जिसका मतलब कामयाब एक्सपीरियंस हो। ये देखें, इसकी इसकी प्राइस भी इतनी नहीं है, ये 140 का है। और हाँ जी, 140 का, ये इतनी सी इसकी बोतल होती है बुखार की। ड्राई पाउडर होता है, इसकी आपने पानी में मिक्स करके, इस पर लिखा होता है कितने पानी में आपने कितना पाउडर डाला, वो आपने मिक्स करके रखना होता है फ्रिज में उस। और इसके ऊपर वो भी लिखा होता है कि ये जो मिक्स सस्पेंशन है आप कितने दिन तक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आपने फेंक देना होता है, संभाल के नहीं रखना होता। ये तो मैंने आपके लिए संभाल के रखी हुई थी, मैंने कहा मैं आपको इसका रिव्यू दूँगी क्योंकि मेरा ये कामयाब तजर्बा था, ताकि आप लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। जिन लोगों को, जिन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों का नहीं पता होता, जिन माओं को, वो परेशान ना हो और अपने पास ये चीज़ें ला के रखें, ताकि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई एमरजेंसी पड़ जाए तो आप लोगों के पास ये चीज़ें हों। ठीक है जी। इसके अलावा उन्होंने मुझे मोशन के लिए एक सिरप लिख के दिया था, वो मुझे याद नहीं, वो ग्रीन कलर की एक बॉटल थी, उसका सिरप था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। वो भी मैं आपको अगले रिव्यू में इंशाल्लाह ताला बताऊंगी, अभी मुझे इसका नाम याद नहीं है। तो बहरहाल ये दो तो बिल्कुल ही एमरजेंसी के लिए, अगर आपको ये बुखार के लिए और ये प्रेप्रोजी, ये जो है ये हैज़े के लिए साशे है कि उल्टी मोशन रुकी ना रहे हों, तो वो ये आप यूज़ करके देखें। मुझे दुआओं में याद रखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाजमी प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आइंदा भी ये वीडियोस बनाती रहूं और आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाती रहूं। अगली वीडियो तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।